आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ मियो ओगा मूवी के बारे में बात करूंगा, जो एक तमिल मूवी है और नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। तो इस मूवी में अरविंद शामी और कार्थी, ये जो मूवी है ना, ये एक मास्टर क्लास मूवी है। 96 मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें विजय सेतुपति और समंता थी। तो उसी मूवी का डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और इस मूवी का हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर चीज आप लोग जब देखेंगे ना, बहुत इमोशनल होंगे, क्योंकि ये आप लोगों का बचपन का याद दिला देगा। 96 मूवी में जैसा था, देखने के बाद आप लोगों का बचपन की याद आ गया, बिल्कुल ऐसा ही मूवी है। ऐसा नहीं वहां पर बचपन दिखाया गया, लेकिन इसकी इमोशन को जिस तरह से वहां पर लेकर जाता है, एक इंसान 28 साल बाद अपने घर में, अपने जहां पर रहता था, वहां पर जाता है और किस तरह से उसकी इमोशन फिर से काम करने लगता है, फिर तरह से वो रिकलेक्ट करता है अपने मेमोरीज को, यह इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी का स्टोरी यह है कि 1996 में तंजावुर में ये अरविंद शामी और उनके पिताजी माताजी रहते थे, तो कुछ विवादों की वजह से, मतलब रिलेटिव के विवादों की वजह से, उन लोगों को रातों रात उस जगह को छोड़ना पड़ा। अब वो मद्रास में आकर, यानी चेन्नई में आकर रहता है। तो 2018 में दिखाया जा रहा है कि उनकी अंकल का बेटी का शादी है, इस वजह से फिर अरविंद शामी को 28 साल बाद फिर से वहां पे जाना पड़ रहा है। और वहां पर जाने के बाद एक इंसान से उसके बाद मुलाकात होता है, जिसका वो नाम भी नहीं जानता, लेकिन वो इंसान उसके बारे में सब कुछ जानता है। ऐसे बात कर रहा है, ऐसे सब कुछ कर रहा है कि वो उसके साथ उसकी बहुत ज्यादा लगाव है, उसको वो आइडियल मानता है, जो रोल किया है कार्थी ने। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ उसकी जो साइकिल था, जो वो छोड़ के चला गया था, उस साइकिल को अभी भी वो पूछता है, क्योंकि उसको लगता है उस साइकिल की वजह से उसकी जिंदगी बदल गया है। और वो 1994 में उनके घर में घूमने भी आया था, क्योंकि वो उनका रिलेटिव है, लेकिन अरविंद शामी उसको पहचान नहीं पा रहा है। तो ये वो किस तरह से उसको पहचानता है, किस तरह से अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करता है, और यही इस मूवी में दिखाया गया है। इस मूवी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कई कई जो सीन है काफी लंबा है, काफी स्लो है, लेकिन स्लो इसलिए रखा गया है कि आप उसकी जो इमोशन है उसको फील कर सको, उसको महसूस कर सको, इसलिए इसको इतना स्लो रखा गया है। हर डायलॉग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना है, हिंदी डब काफी अच्छा है, नो डाउट। और इसको बहुत रिकलेक्ट मूवी है, जिस तरह से यहाँ पे तंजावुर को दिखाया गया है, जिस जो हो रहा है उसके साथ साथ जिंदगी में, वो एक अनजान लोगों के साथ, उसको मतलब कार्थी को सब पता है इसके बारे में, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये कौन है, ये वो याद के नहीं कर पा रहे, किसी से भी पूछने जा रहा है, क्योंकि कार्तिक उसके साथ साथ हमेशा घूम रहा है, उस जो वेडिंग में आया था उसके साथ साथ, तो पूछ भी नहीं पा रहा, उसके घर में जा रहा है, उसके साथ घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्तिक उसका जो बच्चा होने वाला है कार्तिक का, उसका नाम भी अरविंद शामी के नाम पर रख रहा है, मतलब इतना वो पूछता है, लेकिन ये बंदा उसके नाम तक याद भी नहीं कर पाया। तो उस जो दर्द है, जो महसूस है, जो इमोशन है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। हाँ, थोड़ा सा कुछ जगह पे, जैसे जो जब वो अरविंद शामी उसके घर में जाता है, तो वहां पे कुछ सीन है, मुझे लगा थोड़ा सा लेन दिए, वो थोड़ा कम होता तो बेहतर होता, लेकिन एक मास्टरपीस मूवी है, मैं ये कहूंगा आप लोग एक बार जरूर देखिए, मास्ट वॉच मूवी है, बहुत बेहतरीन मूवी है ये मियो ओगा, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और एक्टिंग की बात करें, अरविंद शामी और कार्थी दोनों ही अपने रोल में लाजवाब है, लाजवाब है। और बाकी जितने भी किरदार है बहुत ही बेहतरीन है। एक सीन है जहां पे उसकी बहन का, जिसके शादी के लिए अरविंद शामी आया है, तो वहां पे वो जब अपने बहन को जेवरात जेवरात दे रहा था, फिर उसको जिस तरह से वो सजा रहा था, वो सीन देखना बहुत इमोशनल सीन है, मुझे बेहतरीन लगा इस मूवी का। और मैं इसीलिए इस मियो ओगा मूवी को 5 में से 4.5 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी नेटफ्लिक्स में देखा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।